अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ और यहाँ पे क्रूज़ में बैठा हुआ हूँ। राइड ले रहे हैं क्रूज शिप की और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टॉप, आई डोंट नो। लेकिन मैं आज एक बात करता चलूँगा। यहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं टूरिस्ट स्टडी वीज़ा के ऊपर या स्टडी परमिट पर आते हैं और समझते यही है कि पैसा जब तक नहीं लगाएंगे ज़्यादा सारा तब तक आप आ नहीं सकते। सिंपल 3 मंथ की स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर और NOC होना चाहिए आपके पास। ये अगर डॉक्यूमेंट्स हों तो मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में हूँ इस टाइम, आप भी आ सकते हो। सिर्फ 3 मंथ की स्टेटमेंट के साथ, पासपोर्ट पिक्चर, NOC के साथ ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का आपको मिल जाएगा और इसको आप चेंज भी करवा सकते हो यहाँ पे आके। मे बी कि मेरी वॉइस क्लियर ना हो क्योंकि डिस्ट्रोशन हो सकती है। बाकी विद इन 1.5 मंथ्स आप आसानी से ये वीज़ा हासिल कर सकते। यहाँ से अगर मैं व्यू दिखाता चलूँ आपको, ये हार्बर ब्रिज का और पीछे पूरा सिटी है। अच्छा दोस्तों, कौन लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा? हर वो बंदा जिसके पास यू रेजिडेंसी है, बेशक उसका वीज़ा स्टेटस लो हो या ज़्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अकाउंटेंट, सेल का कोई भी वीज़ा हो आपके पास, अगर है तो 200 आप अप्लाई कर सकते हो। अगर लो कैटेगरी है, टेक्निकल में किसी टेक्निकल कोई वीज़ा है, अगेन आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई ड्राइवर वगैरह हो तब भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया यहाँ पे ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ट्रक ड्राइवर की, तो आप आसानी से यहाँ का वीज़ा हासिल कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग नंबर, इंस्टाग्राम ID वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेटवर्क पे ख्याल रखें अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।